हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुबाब मैन। और आज आपका लिसन जो है वो उस सॉन्ग के जो मेरे बचपन के अंदर मैं जिस बंदे को बहुत ज्यादा सुना हुआ है उसके दो गाने मुझे बड़े पसंद थे, एक चन्ना वे चन्ना और एक पहले तो कभी कभी गम था। और आज आपका लिसन जो है वो पहले तो कभी कभी गम था जिस सॉन्ग है उसका लिसन होगा, रुबाब लिसन। तो शुरू करते हैं। इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए जो आपकी ट्यूनिंग होगी वो होगी डी जी सी। अच्छा, सबसे पहले इसका जो पहला रुबाब वाला पार्ट है वो सीखते हैं कि किस तरह से अभी किस तरह से आ रहा है। थर्ड फ्रेट तीसरी स्ट्रिंग पे, लाइक सेकंड फिफ्थ थर्ड ओपन, थर्ड जो है वो दूसरी स्ट्रिंग पे, फिर फर्स्ट थर्ड फर्स्ट। ठीक, तो पहला पार्ट क्या हो गया, मेरे साथ दोबारा से प्रैक्टिस करें। फिर वही चीज दोबारा से, थर्ड फ्रेट, यहां से जो है क्या नाम है फर्स्ट से ओपन की तरफ जाना आपने। नीचे नोट्स भी आ रहे हैं जिन्हें देख के आप हेल्प ले सकते हो। अब किस तरह से है? ठीक, इसे मैं स्लो एक बार प्ले करता हूं। सही हो गया। तो यह आपका पहला पार्ट है, इसे जब नॉर्मल पेस पे प्ले करें तो क्या होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है अभी किस तरह से, इसके अंदर जो है मैं स्ट्रोक्स जो है वो डबल स्ट्रोक काफी सारे कर रहा हूँ। अभी जो बेसिक जो इसकी मेलोडी हुई, इस तरह से तीन दफा आपने ओपन स्ट्रिंग प्ले करनी है, तीसरी वाली जो सी स्ट्रिंग है। ठीक, उसके बाद 2020। ठीक, तो क्या होगा, फिर उसके बाद टू से जीरो से आपने टू पे टैप करना, लाइक ठीक। एकदम मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ, ये जो नीचे स्क्रीन आ रही है उसे आप देख सकते हो, स्ट्रोक करके मैं इसे मैं प्रेस करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, यानी इसे पुल ऑफ करता हूँ, लाइक इस तरह से। अब ये वाला मेरा हाथ नहीं होता, जब आप इसे इस तरह करोगे तो ये आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो अब क्या सीन है। ठीक, फिर ओपन अगेन थर्ड फ्रेट दूसरी स्ट्रिंग पे, जी स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले तो कभी कभी गम था वाला जो पार्ट है वो किस तरह से आएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो रुबाब वाला पार्ट आता है जो सॉन्ग का नहीं है, लाइक उसके वोकल्स का नहीं है, लेकिन बीच जो म्यूजिक आता है वो इस तरह से आता है, ओपन जी स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट सी पे, तीसरा दूसरा ओपन। ठीक, तो अब इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या होगा। ठीक, फिर उसके बाद अब इसके अंदर सिर्फ एक पार्ट जो है थोड़ा सा ट्रिकी है कि जब नीचे वाली स्ट्रिंग एकदम से प्ले करनी होती है वो फिफ्थ फ्रेट पे आती है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे आना। तो अब किस तरह से है, लाइक अब तो हर पल ही तेरी याद सताती, अब किस तरह से जीरो जो है सी स्ट्रिंग ओपन, फिर टू थ्री टू जीरो जीरो जीरो, लाइक ठीक, फिर थ्री थ्री वन जीरो, फिर ओपन स्ट्रिंग जी थर्ड फर्स्ट और यहां पे सी ओपन आना है, थ्री वन वन। ठीक, इसे मैं अब स्लोली प्ले करता हूँ, नीचे नोट्स आ रहे हैं जिन्हें आप देखकर जो है इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक, दोबारा से। फिर जो इसका म्यूजिक आता है,
अभी किस तरह से, फर्स्ट फ्रेट से थर्ड ओपन सी, सेकंड थर्ड सेकंड ओपन जी पे थर्ड अगेन सी ओपन थ्री वन। इस तरह से ज़रा डिफ़िकल्ट है कि मैं साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट करूँ, नीचे नोट्स भी आ रहे हैं, तो इसे मैं अब स्लोली प्ले करता हूँ। अब पूरे सॉन्ग के साथ प्ले करता हूँ। फिर जो नीचे नोट्स आ रहे हैं, फिर अब ये जो है इस तरह से प्ले करना है। तो हर पल यहाँ पे सी ओपन थर्ड फर्स्ट फ्रेट, यहाँ पे टैप ओपन से थर्ड पे आपने टैप करना, किस तरह से ओपन। फिर अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक स्लोली करता हूँ साथ साथ। मैं इस हाथ को भी ज़रा देखें किस तरह से एक ही स्ट्रोक में कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ से मैं इसे पुल ऑफ कर रहा हूँ, ठीक। अब सारे को कंबाइन करें तो क्या, फिर सी जो है कि नाम है, या इसे आप स्ट्रोक भी कर सकते हो जैसे लाइक, ठीक टू थ्री टू जीरो, ठीक हो गया। फिर दोबारा से वही चीज, बेसिक मेलोडी के जो जिस पे सारा गाना जो है वो इसी तरह से प्ले हो रहा होता है, ठीक है। सो अब एक बार जो है मैं शुरू से सारे को अपने तरीके से यानी कि डबल स्ट्रोक्स के साथ मैं प्ले करूंगा। पहले जो मैं आपको सिंपल पार्ट जो बताया जिस तरह सिंपली प्ले करना है वो पहले आप सीखें, उसके बाद आप डबल स्ट्रोक्स पे आना, फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। से आपने प्ले करना। आई होप आपको समझ आ गई है कि आपने पहले तो कभी कभी गम था सॉन्ग कैसे रुबाब पे प्ले करना है। नाउ डू प्रैक्टिस इट। और अगर आपने और रुबाब पे सॉन्ग सीखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि जो मेरे फ्यूचर अपलोड्स हैं वो आपको मिल जाएं। सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।